हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द 8th क्लास चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। टुडे वी विल कम टू नो अबाउट द टॉपिक दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एजुकेशन सिस्टम एंड आफ्टर दैट वी विल कवर एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन and in the last changes in the indigenous education system. So today we are going to start beginning of the new education system. Yes, before the advent of the British in India, education was imparted in pathshalas, madrasas and gurukuls. Bharat mein British ke aane se pehle जो एजुकेशन है वो पाठशाला, मदरसा और गुरुकुल्स में दी जाती थी। हायर एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू अपर और एलाइट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। हायर एजुकेशन जो है वो समाज के केवल उच्च वर्ग को प्राप्त होती थी। देवर टॉट सब्जेक्ट्स लाइक क्लासिकल लैंग्वेजेस, एस्ट्रॉनमी, लिटरेचर, मेडिसिन एसेट्रा, और उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज, एस्ट्रॉनमी, लिटरेचर और मेडिसिन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। When British came to India, जब ब्रिटिश भारत आए, the Christian missionaries opened schools in the presidencies and cities. क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ईसाई प्रचारकों ने शहरों और प्रेजिडेंसीज में स्कूल्स ओपन किए, खोले। Here the medium of instruction was English. यहाँ पर medium of instruction English था, अंग्रेजी था। The main motive of these schools was to literate Indians for clerical work and spread Christianity. इन स्कूलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो इंडियंस को इतना लिटरेट करना था कि उन्हें वो क्लर्क काम के लिए क्लर्क प्राप्त हो सके, एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और वो ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। दे डोंट वॉन्ट टू द इंडियंस टू गेट द हाई पोस्ट, वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो हाई पोस्ट पर काम करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम द पैरामाउंट पावर इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में सर्वोच्च पावर बनी। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति के बाद, व्हेन द पावर ऑफ द कंपनी पास्ड ऑन टू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, जो कंपनी की पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ चली गई। देयर कॉलोनियल डोमिनेशन ब्रोट मैनी चेंजेस इन इंडिया एज द ट्रांसफॉर्मिंग यूरोपियन सोसाइटी प्लेड ए पिवोटल रोल इन फोर्सिंग ब्रिटिशर्स टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी। कॉलोनियल डोमिनेशन, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद ने इंडिया में कई चेंज लाए। जैसे यूरोपियन सोसाइटी, उसमें यूरोपियन सोसाइटी ने ब्रिटिशर्स को फोर्स करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, दैट दे विल ब्रिंग सम रिफॉर्म्स इन द इंडियन सोसाइटी, कि वो भारतीय समाज में कुछ सुधार लाएंगे। द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन and the Renaissance, along with a series of socio-political revolutions, transformed the European society, while at the same time, Indian society remained untouched by the outside world. औद्योगिक क्रांति ने और पुनर्जागरण ने, और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्रांति ने यूरोपियन सोसाइटी को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। वाइल एट द सेम टाइम, उसी समय इंडियन सोसाइटी जो थी वो भारी संसार से अछूती रही। इट वॉज ओनली ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश दैट द इंडियन पीपल इनिशिएटेड द मासेस टू रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज इंडियन सोसाइटी। इट वॉज ओनली ड्यू टू द रिएक्शन, यह उस रिएक्शन के कारण था दैट द इंडियन पीपल, की भारतीय लोगों ने शुरुआत की थी द मासेस लोगों के लिए टू रिफॉर्म, सुधार करने के लिए, और इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के लिए। Almost all these reforms movements finally spread modern education in India. लगभग इन सभी सुधार आंदोलनों ने भारत के अंदर आधुनिक शिक्षा को फैलाया। So in this way, we have come to know that what was the education before the British and what was the shape of the education after the British came to India. And how modernization come into India. And in the next video, we will come to know about the beginning of the new education system. Till then, thank you.
हैव ए नाइस डे।